राजस्थान में 16,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर अब गहलोत सरकार कड़ा कदम उठा रही है। अब तमाम ऐसी सोसाइटीज के खिलाफ एसओजी में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज से इन फर्जीवाड़ा करने वाली सोसाइटीज के खिलाफ जांच शुरू हो गई। 2 लाख से ज्यादा निवेशकों को अपने जाल में फंसाने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अब सरकार अपने जाल में फंसाने जा रही है। प्रदेश में 43 मल्टी स्टेट सोसाइटीज ने निवेशकों के साथ जमकर लूट मचाई, जिसके बाद अब राजस्थान सरकार इन सोसाइटीज के खिलाफ सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है। अब सरकार ने एसओजी में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है। सरकार इन तमाम सोसाइटीज के खिलाफ एसओजी में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाएगी। सहकारी निरीक्षक 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इन सोसाइटीज का निरीक्षण कर 15 सितंबर तक विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अब तक राजस्थान में 56,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। रजिस्ट्रार ने कहा कि जो सोसाइटीज अनरेगुलेटेड स्कीम के तहत पैसा जमा करती हैं, तो ऐसी सोसाइटीज के खिलाफ पुलिस एसओजी में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। ऐसे में आम जन भी ऐसे क्रेडिट सोसाइटीज की लोभ लुभावनी स्कीमों, ऊंची ब्याज दर की लालच में न आए। अपंजीकृत क्रेडिट सोसाइटी से किसी भी प्रकार की जमा और निकासी नहीं करें और निवेशक धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल राज्य सहकार पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।